जय हिंद। उसको अपराधी कहा गया, वह चुप रहा। उसको आदतन अपराधी कहा गया, वह फिर भी चुप रहा। उस पर अत्याचार किया गया, झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, उसको इधर से उधर किया गया, वह फिर भी चुप रहा। उसको जेल में डाला गया, फिर भी चुप रहा। उसको राज्य से बाहर निकाल के भेज दिया गया दूसरे राज्य में, फिर भी चुप रहा। देशद्रोह का मुकदमा उस पर दायर कर दिया जाता है, फिर भी वह चुप रहता है, फिर भी वह चुप रहता है। बिहार में लाने के बावजूद उसको जेल में भी उस पर अत्याचार किया जाता है। आज उसने बोला, कई सारा वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को हमने देखा है। काफी कष्ट, काफी तकलीफ, काफी दुख हुआ है। अगर ऐसा है, ये तो जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। और हम आग्रह करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस पर जांच हो निश्चित रूप से। और वह व्यक्ति जो हर अत्याचार को बर्दाश्त करता रहा, आज उसके साथ इतना अन्याय। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने फर्जी खबर चलाया, आज उन वो बेल पर बाहर हैं। लेकिन वैसा अपराध जो साबित तक नहीं हुआ, वैसा अपराध जो उसने किया तक नहीं, उसकी सजा वह भोग रहा है जेल में बंद होकर के। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए सब लोग, और शेयर करिए, एकदम करिए, और सब तक पहुंचाइए। क्या बिगाड़ा है उसने? बिहार को ब्रांड बनाने का सपना देख लिया, गुनाह कर दिया। बिहार को लोग बर्बाद कर रहा है तो ठीक है, सरकार बनाइए, सत्ता में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नौजवान कुछ व्यवस्था बदलने का अगर प्रयास करता है, तो उस नौजवान का समर्थन होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, चाहे वो जिस जाति से हो। अपराध करने वाले जाति नहीं देख रहे हैं, भ्रष्टाचार करने वाले जाति नहीं देख रहे हैं, और आप वोट देने से पहले जाति देख रहे हैं, सपोर्ट करने से पहले जाति देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। और मनीष का सब क्या है, कौन सी है मनीष का सब? कुछ नहीं है। आप सब समर्थन नहीं करिएगा, सपोर्ट नहीं करिएगा, तो कथी कर लेगा? कुछ नहीं करेगा मनीष का सब। क्या अनिकेत रंजन क्या कर लेगा? कुछ नहीं। जब मदद नहीं करिएगा आप लोग, आप लोग खुद समाज नहीं सुधारना चाहते हैं, आप लोग खुद व्यवस्था अगर नहीं सुधारना चाहते हैं, आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, कैसे समाज सुधरेगा, कैसे बिहार सुधरेगा, कैसे व्यवस्था सुधरेगा? हमको जवाब दीजिए, ऐसे सुधरेगा? वो आदमी यहाँ का चिल्ला चिल्ला के अपना तकलीफ बता रहा है, अपना कष्ट बता रहा है, अपना दुख बता रहा है, और सभी लोग सुन रहे हैं चुप होकर के, शासन प्रशासन व्यवस्था कानून सब। अरे भाई, आज भी आम आदमी कानून पर भरोसा करता, संविधान पर भरोसा करता, कम से कम उस उम्मीद को तो मत टूटने दीजिए, उस भरोसा को तो मत टूटने दीजिए। तो आज मनीष का सब चुप होगा, अनिकेत रंजन चुप हो जाएगा, कल से कौन आएगा सामने? हम लोग तो इतना कर रहे हैं, तो इतना सताया जा रहा है। सीधी तौर पे आप लोग जान लीजिए, अगर बिहार को बदलना है तो संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए अच्छे लोगों को चुनने का और अच्छे लोगों का समर्थन करने का। वरना ऐसा ही एक बेटा भी लगते रहेगा, रोता रहेगा, और उधर माँ भी लगते रहेगी, रोते रहेगी। अरे हम लोग कितने माँ को खुशियाँ देते हैं, कितने माँ का आँखों का आंसू पोंछते हैं, कितने लोग खोजते हैं, वहाँ पहुँचने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं, उनका साथ देने का काम करते हैं, उनके साथ खड़ा होने का काम करते हैं। अरे कुछ मदद नहीं करते हैं तो कम से कम उनके साथ खड़ा तो होते हैं ना, आवाज़ तो उठाते हैं ना, पैसा नहीं ना मांगने जाते हैं किसी से। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो एहसान फरामोश है। जब अपना मुसीबत में रहता है तो अनिकेत बाबू, अनिकेत बाबू, अनिकेत बाबू, और जब काम निकल जाता है तो वहीं गाली देता है। तो ऐसे ऐसे झूठे और मक्कार और निर्दयी और कमीना किस्म के लोग को पहचानिए समाज में कौन है, और बहिष्कार करिए उसका, ऐसे एहसान फरामोश लोगों का। और जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं नौजवान, उसका समर्थन करिए, ताकि उसके आँख से आंसू ना आए, उसका माँ बाप ना रोए। समर्थन करिए, सपोर्ट करिए, वैसे लोगों का सपोर्ट करिए। हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा करते हैं। हम उसी संविधान, उसी न्यायालय, उसी कानून से न्याय की भी उम्मीद करते हैं।
कि न्याय मिलेगा, ताकि लाखों बिहारी नौजवान जो कानून पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा ना टूटे। जय हिंद, जय बिहार।